हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी छोटी सी जिंदगी के छोटे से लम्हे में। इसी के साथ आज की छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, क्लासरूम में प्रोफेसर ने एक सीरियस टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ की। जैसे ही वे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए पलटे तो तभी एक शरारती छात्र ने सीटी बजाई। प्रोफेसर ने पलटकर सारी क्लास को घूरते हुए सीटी किसने मारी पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर ने शांति से अपना सामान समेटा और आज की क्लास समाप्त बोलकर बाहर की तरफ बढ़े। स्टूडेंट खुश हो गए कि चलो अब तो आज के लिए फ्री हुए। अचानक प्रोफेसर रुके, वापस अपने टेबल पर पहुंचे और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे हमारे बचे हुए समय का उपयोग भी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट उत्सुकता के साथ कहानी सुनने लगे। प्रोफेसर बोले, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि कार में पेट्रोल भरवा ले आता हूं, जिससे सुबह मेरा समय बच जाएगा। पेट्रोल पंप से टैंक फुल कराकर मैं आधी रात को सुनसान सड़क पर ड्राइव का आनंद लेने लगा। अचानक एक चौराहे के कॉर्नर पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शानदार ड्रेस पहने हुए अकेले नजर आई। मैंने कार रोकी और उससे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, तो उसने कहा, हाँ अगर आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। मैंने सोचा नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, चलो इसे इसके घर छोड़ देता हूँ। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। रास्ते में हमने बहुत सारे बातें की। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत सारे टॉपिक्स पर उसका बहुत अच्छा कमांड था। जब कार उसके बताए एड्रेस पर पहुंची तो उतरने से पहले वह बोली कि वो मेरे नेचर और व्यवहार से बहुत ही प्रभावित है और मुझे बहुत पसंद करने लगी है। मैं खुद भी उसे पसंद करने लगा था। मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। वो बहुत खुश हुई। फिर उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर भी दिया। अंत में उसने बताया कि उसका भाई भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके भाई का ख्याल रखूं। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी करने पर मुझे बहुत खुशी होगी। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? इस पर लड़की ने कहा कि बिना नाम बताए भी आप उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि वो सीटी बहुत ज्यादा और बहुत ही बढ़िया बजाता है। जैसे ही प्रोफेसर ने सीटी वाली बात की तो तुरंत क्लास के सभी स्टूडेंट उस छात्र की तरफ देखने लगे जिसने प्रोफेसर की पीठ पर सीटी बजाई थी। प्रोफेसर उस लड़के की तरफ घूरे और घूरते हुए बोले, बेटा मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री मटर छीलकर हासिल नहीं की है, हरामखोर कहीं के निकल जाओ मेरी क्लास से। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। सो गाइस, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।